वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है ईद का दूसरा दिन और आज आप सोच रहे होंगे मैं कैसे तैयार करूंगा, कहीं जा रहा हूं? नहीं, नानी के घर जा रहा हूं? नहीं, कोई आ रहा है? नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 11:12 और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी बड़ी खाला को लेने स्टेशन, वो आई है लाहौर से, तो बस उनको लेने चलते हैं जल्दी से। मैं शर्म क्या हुआ, लेकिन अभी देखेंगे, अभी स्टेशन से आके करना है, तो बस अब चलते हैं जल्दी से स्टेशन। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के टिकट ले रहे हैं और हमको जाना था प्लेटफॉर्म के तरफ, तो बस पे चलते हैं मुझे प्लेटफॉर्म की तरफ। और खाला का इंतजार है, मेरी बड़ी खाला जल्दी से आएंगी, तो ट्रेन आने वाली है, मतलब पहुँचने वाली है, तो हमने प्लेटफॉर्म की टिकट ले ली है। हाँ, अभी बस चलते हैं फिर थोड़ा थोड़ा सा बाहर, और साड़ी को ट्रेन भी खड़ी हुई है, देख सकते हैं अभी वाली ट्रेन भी आएगी तो आपको दिखा दूँगा। अभी तो खाली है, वैसे स्टेशन इतना भरा हुआ नहीं है। लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के जाने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करने वाले, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस पर चलने में, जल्दी से चल लेता मैं सफर। बस चलते हैं जल्दी, तो ऊपर आ चुका हूँ, टांगों में दर्द हो जाता है ऊपर आते आते ही, तो नीचे का देख सकते हैं इतना ओपन आया मैं अभी। हम स्टेशन इतना बड़ा है, पाकिस्तान का स्टेशन है, बिग रोड स्टेशन है, और बस की कार्गो ट्रेन भी खड़ी है इसी नीचे, पूछ जाऊँगा मैं। यहाँ से नज़र आ रही होगी, हाँ ये रही है कार्गो ट्रेन, तो बस आप चलते हैं जल्दी से नीचे, शायद शायद कोई आया भाभी हो, मेरी बड़ी खाला आ रही है ना, उनको लेने के लिए हम लोग भी आए, और ऐसा कोई और भी आया हुआ, तो बस चलते हैं। अभी पापा बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो अभी पापा ने बात कर ली है, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। बस उतरने में मज़ा आता है, उतरने में तो जल्दी से उतर जाओ, वेट कर रहे हैं अपनी खाला के आने का, बड़ी खाला के आने का। मैं तो इधर आ चुका हूँ, मेरे पापा वगैरह वहीं थाने में, और देखने के ट्रेन कब आती है और क्यों कहाँ आती है, और इतने नीचे होती हैं रेल की पटरियाँ और लोग आ रहे हैं। आ चुकी है, देख सकते हैं वो रही, बहुत दूर है अभी तो आ रही है, मतलब तीन दुनिया आने वाली है, बहुत स्पीड में आ रही है, और हॉर्न देखें इसका बहुत तेज होता है। अभी आ चुकी है, लेकिन दिन में लाइट में चलाई है इन्होंने, पता नहीं हूँ। ओ भाई आ चुकी है ट्रेन, फिर कह रहे मम्मा वो डिब्बे, ओ भाई जमीन में पूरी आवाज आती है, जमीन में पूरी आवाज आती है, तो आप बता रहे हो आ रही है, ये हमारे फ्रेंड हो गया, और ये वाली ट्रेन नहीं है खाला की, अब ये जाएगी फिर दूसरी ट्रेन आएगी तो होगी वही होगी हमारी खाला की। वैसे तो हम कितनी देर तक रुकती है ट्रेन, हम कितनी देर तक रुकती है ट्रेन? दो तीन मिनट। अभी ये दूसरी ट्रेन है, इसके पीछे आ रही है हमारी बड़ी खाला की ट्रेन, तो बड़ी धूप हो रही है, पुलिस से पूछा है ना? हाँ अभी पुलिस से पूछे, और जो दरख्त के नीचे है ना वो सारी बेंचें भर चुकी हैं, हम लोग झूठ में करना अभी, लेकिन हम लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ सारे, नहीं ये ट्रेन भी अच्छी है। अभी हम लोग जाना है आपके साय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है मुझे तो, ले गई है अब बस दूसरी ट्रेन आएगी वही होगी हमारी बड़ी हालांकि आ चुकी है, वो देख सकते हैं दूर से आपको शायद अभी नज़र ना आ रही हो, हल्की सी लाइट नज़र आ रही होगी आप लोगों को शायद, देख सकते हो। ओहो इतना तेज़ वॉल्यूम होता है, मैं तो डर ही जाता हूँ कभी कभी। अभी आ रही है, अंकल आ गए ना पीछे, अभी वो आ रही, दिख गई आपको, दिखी आ गई, आ गई आ रही। आ गई आ गई आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन, आ गई, बहुत तेज़ आ रही है। Thank you.
तो आगे चलते हैं, अभी हमें नंबर नहीं मिला है, देख सकते हैं आगे जाके देखते हैं, आगे तक चले। अभी हमें नंबर की मिस्टेक हो रही है कुछ, जहाँ मेरे जॉन से नंबर में मेरी खाला आई है ना, वो नंबर हमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, पप्पा जाने देखने, तो बस अब चलते हैं पीछे देखते हैं, फिर खाला को लेते हैं, खाला तो जाएंगी कहीं और हम लोग जाएंगे अपने घर। फिर तो गाइस मेरी खाला आ चुकी है और उनका सामान वगैरह जा रहा है, देख सकते हैं। और ये लोग बाबा जो कि छोटी सी मुन्नी, वो भी लेने आई हुई है खाला को, उसकी तो नानी लगती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस घर, मैंने अपनी खाला से तकिया पकड़ा हुआ है और अभी बस हम लोग जाएंगे अपने घर और वो लोग जाएंगे। तो बस यही था अभी, और अभी बस मैं जाऊँगा और मेरी तस्वीर देख सकते हैं। स्टेशन से मैं आ गया था और आने के बाद अभी हो चुकी है शाम, और शाम के वक्त अभी मैंने आपको ऐसी चीज़ दिखानी है जिससे आप देख के हैरान हो जाएंगे, थोड़ा हैरान होंगे इतना नहीं। मैंने बना दिया है इतना बड़ा पेपर प्लेन, देख सकते हो इतना बड़ा पेपर प्लेन है। तो बस इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही से उड़ पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये उड़ पाता इतना बड़ा है। और मैंने बना लिया, मैंने ईजी इतना नहीं था लेकिन सही था, लेकिन बना लिया किसी ने किसी तरह, अब तो क्लियर कुछ दिखाना तो था, तो इसलिए अब मैं उड़ाने वाला हूँ उसे, टेस्ट करते हैं अभी उड़ता कैसा है। तो भाई सर मैंने कैमरा वगैरह सेट किया और अब मैं उड़ाने वाला हूँ इस पेपर प्लेन को जिसे मैंने बनाया है, अब इसको उड़ा के चेक करते हैं सही से, अल्लाह करे ही उड़ जाए, आमीन बोले आप सब कमेंट में। ओ भाई ये उड़ तो रहा है लेकिन ना इसके जो है ना बड़ा है ना, तो है ना तो वो ना इसके जो विंग्स होते हैं वो ना ऊपर की तरफ उड़ जाए, आपने देखा अभी एक और बात ओ। इसी के साथ अभी हो चुकी है रात, और रात होने के बाद खाना भी आ चुका है, और आज का दिन बस थकता हूँ, कल इतना खेला, और आज का दिन मतलब ईद का सेकेंड डे तो मतलब नॉर्मल जा रहा है बस सही। अभी मैंने कंप्यूटर खोला ना थोड़ी देर के लिए, और इसी के साथ खाना भी लग चुका है, आज खाने में है आज मज़े की चीज़ बनाई है मैंने, टिक्के और रोटी, तो बस फिर खाते हैं जल्दी से। टेस्ट करके आपको पहले बताता हूँ हड्डी वाली कैसे बने, हड्डी वाली टेस्ट करके आपको बताता हूँ, देखने में तो बड़े मज़े के लग रहे हैं मसाले से। मज़ा आ गया हम लोग, और सलाद भी खा लेना, तो बस पकाना पड़ोस में खाना। इसी के साथ अभी रात भी हो चुकी है, मैं वजू वगैरह करके आऊँगा भी, तो वजू करके आया हूँ और अभी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा क्योंकि सुबह उठूँगा कल ई, आज तो ईद डे टू था, अब कल ईद डे थ्री है। कल का ब्लॉग ऐसा अच्छा बने, लेकिन परसों का अच्छा ही बनेगा क्योंकि हम जाएंगे नानी के यहाँ, और संडे वाले दिन भी बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा क्योंकि मेरे कज़न की इंगेजमेंट है, तो वहाँ भी जाना है और बहुत मज़ा आने वाला है, वहीं रुकेंगे। लेकिन बना लिया मैंने कि चलो जाने तो बनाए ना, तो इस लोग को यहीं से एंड करते हैं, उम्मीद है आपको लोग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।